मंत्री बजट पेश करेंगे और वित्त मंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं, ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज यूपी का बजट पेश होना है, इतिहास का सबसे बड़ा बजट यूपी के लिहाज से, 7.5 लाख करोड़ का बजट होगा। थोड़ी देर में बजट पेश होगा, लेकिन विधानसभा पहुंचने वाले हैं सीएम योगी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री अपने आवास से निकल चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री निकल चुके हैं 5KD से, और कैबिनेट बैठक उनकी हो चुकी है, वहां से सीधे यहीं आप देख सकते हैं सीएम सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अफसरान हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, उनकी अपनी जो जिम्मेदारी है यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चाक चौबंद किया जाए और कॉर्डन कर दिया गया इस पूरे इलाके को, तो इससे एक संदेश जरूर समझ में आता है कि कुछ ही देर में यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचेंगे। और एक परंपरा है, ठीक सामने जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर फोटो वीडियो शूट होता है जब वो अपने साथ लाल ब्रीफकेस और लाल टैबलेट लेकर जाते हैं, तो उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। अब हम लोगों को भी वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था, चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जाती है, तो जाहिर सी बात है नई दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा कि योगी सरकार का बजट भी आ रहा है, बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं जरूर होंगी जैसा कहा जा रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कि उनके 4 ही जातियां होती हैं, महिला, गरीब, युवा, किसान, तो उन सबको उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में कुछ ना कुछ जरूर देना है। ठीक है ऋषभ, वो वोटों बस कुछ और मिनटों का इंतजार, उसके बाद सीएम की गाड़ी यहां पर पहुंचती हुई नजर आएगी और उसी गाड़ी से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी आएंगे, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि एक ही गाड़ी से दोनों लोग आए थे और गेट नंबर 1 से विधानसभा के भीतर प्रवेश किए थे। कुछ और मिनटों का इंतजार, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश का बजट और कैसे समूचे उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा उस बजट में देखने को मिलेगी। लेकिन